देखिए आज मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से जो आज विधि मंत्री के द्वारा विधेयक प्रस्तुत किया गया उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर कि जिस ढंग से तीन तलाक के नाम पर एक संप्रदाय विशेष की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा था उस संबंध में पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए और वह कानून केवल इन महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध में बनाया जाएगा और इसी को ध्यान में रख करके ये विधेयक प्रस्तुत किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका विरोध करने के लिए कई लोग खड़े हो गए हैं। सही बात यह है कि जजों के फैसलों को पढ़ना चाहिए, सबकी सहमति के आधार पर बना है, उसमें तो यहाँ तक भी दिया है कि कुरान शरीफ में तीन तलाक की कहीं बात भी नहीं कही गई है। और ये भी बात है कि जितने भी इस्लामिक देश हैं किसी देश में तीन तलाक नहीं चल रहा है, चल था तो उसको उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है, नियंत्रित कर दिया है। तो जब कहीं नहीं है तो यहाँ इसको धार्मिक मामला क्यों कहा जा रहा है? ये तो शुद्ध रूप से महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विपरीत उठाया गया एक कदम है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने इस विधेयक को लाने का निर्देश दिया है और इसको बड़ी कड़ाई से हम पालन करवाने की दिशा में प्रयास करेंगे। ये दुर्भाग्य है कि इसका लोग विरोध करने के लिए खड़े हो गए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस संशोधन चाहती है इस बिल में, तो संशोधन संशोधन देना सपा भी कांग्रेस है। इस पर बहस होगी जी। बहस के दौरान अपना पहले संशोधन प्रस्तुत करें और संशोधन प्रस्तुत करने के पश्चात अगर उपयुक्त होगा तो उस पर लोग विचार करेंगे, उपयुक्त नहीं होगा तो नहीं विचार करेंगे। तो संशोधन प्रस्तुत करने का सबको अधिकार है, लेकिन इस ढंग से विरोध करने का ये तो शुद्ध रूप से राजनीतिक दृष्टि से करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध जो विधेयक लाया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, उसका विरोध करना मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही खराब है, ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो सुषमा जी ने जो बयान दिया भूषण यादव को लेके, उस पर क्या कहना है? सुषमा जी ने जिस तरीके से वर्णन किया, जो भी संवेदनशील मानव होगा उसके मन के अंदर पाकिस्तान के प्रति भयंकर घृणा पैदा होगी। पाकिस्तान के राजनयिकों ने इस प्रकार की हरकत की है, पाकिस्तान के शासकों ने इस प्रकार की हरकत की है। जो स्टेटमेंट में सुषमा जी ने वर्णन किया उसमें सीधे तौर पर कहा कि जब जो महिला इनकी सुरक्षा की दृष्टि से कर रही थी, कपड़े वगैरह टाके दूसरा कपड़ा पहना रही थी, तब कहा कि भाई ये तो मंगलसूत्र उतार रही हो तो हमारे सुहाग का प्रतीक है, मैं क्या करूं, मुझे तो यही आदेश दिया गया है, मैं मजबूर हूं। एक एक घटना है, ये पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की है ये क्षम्य नहीं है, अत्यधिक निंदनीय है।